हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत से बौखलाए ईरान ने इसराइल से बदला लेने की कसम खा ली है, जिसे देखकर इसराइल टेंशन में है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसराइल पहले से ही तीन मोर्चों, हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों से जंग लड़ रहा है। ऐसे में अगर ईरान भी खुलकर हमले शुरू कर देगा तो जंग में इसराइल को एक और मोर्चे पर लड़ाई लड़नी होगी, जो फिलहाल इसराइल नहीं चाहेगा। यही वजह है कि इसराइल ने कथित तौर पर अमेरिका से हवाई हमले के जवाब में ईरानी हमले रोकने के लिए कदम उठाने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने भी इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को आश्वासन दिया है कि वॉशिंगटन यरूशलम के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने रविवार को कहा कि मिडिल ईस्ट में भयंकर वॉर को टालने के लिए वो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात करेंगे। हमें वास्तव में वॉर से बचना होगा। हालांकि बाइडन ने यह नहीं बताया कि वो नेतन्याहू से कब बात करेंगे। दूसरी तरफ एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि वॉशिंगटन अब लेबनान में इसराइल के जमीनी हमले को रोकने के लिए एक कूटनीतिक समाधान निकाल रहा है। साथ ही मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष में ईरान को सीधे तौर पर उतरने से रोकने की कोशिशें भी की जा रही हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इसराइल ने अमेरिका को बिना बताए लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हवाई हमला किया, जिसमें नसरल्लाह और ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के एक जनरल की मौत हो गई। गौरतलब है कि पिछले 11 महीनों से हिजबुल्लाह लगभग हर रोज इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले करता रहा है। इसराइल का आरोप है कि इन हमलों से उत्तरी सीमा पर रहने वाले हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। इसलिए नेतन्याहू ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ पूरी तरह से ऐलान जंग कर दिया है। बीते एक हफ्ते में ही इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के गढ़ को तबाह करके रख दिया है। इसकी बानगी ये है कि चीफ नसरल्लाह समेत कई कमांडर मारे जा चुके हैं। लेबनान में हुए सिलसिलेवार धमाकों से हजारों नागरिक विस्थापित हो गए हैं। वहीं अमेरिका का मानना है कि इसराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। फिर भी अमेरिका युद्ध का समर्थन नहीं कर रहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।